नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है, देखिए 4440 का एक एम्पलीफायर है। तो दोस्तों, इसके अंदर मैंने देखिए ये आईसी को चेंज करा है यहाँ पर। तो इस आईसी के अंदर दोस्तों प्रॉब्लम क्या थी कि ये आईसी जब इस एम्पलीफायर के अंदर लगी हुई थी तो ये हीट सिंक बहुत ज़्यादा हीट हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। इसके अंदर अगर स्पीकर की वायर ना भी लगी हो, अगर हम स्पीकर की वायर को नहीं भी लगा रहे थे तो भी आईसी बहुत ज़्यादा हीट हो रही थी और हमारा जो स्पीकर है वो वर्क नहीं कर रहा था। तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि आप आईसी को इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि अगर आपने एम्पलीफायर को चालू करा और चालू करते ही अगर आपकी हीट सिंक जो है हीट हो रही है ज़्यादा, तो वहाँ पर आप समझ जाइए कि आपकी जो आईसी है वो ख़राब हो चुकी है। और एक, अगर आप एम्पलीफायर को चालू करते हैं और चालू करते ही थोड़ी देर आप अगर मतलब कुछ सेकंड तक ही बजाते हैं और हीट सिंक जो है बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, उस कंडीशन में भी आपकी आईसी ख़राब होती है। तो यहाँ पर देखिए, ये आईसी जो है ऑन करते ही बहुत ज़्यादा हीट हो रही थी। देखिए, ओरिजिनल आईसी लगी हुई थी ट्रायंगल की, ट्रायंगल का जो है हमारा दोस्तों ये वाला सिंबल होता है, ये देखिए ये ट्रायंगल का सिंबल है। तो ये अच्छी आईसी होती है और ये आईसी मैंने इसके अंदर से अभी चेंज करी है दोस्तों। और मैंने जब चेंज करी तो इस आईसी के अंदर तो एकदम बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि ये कमी के मैं एक वीडियो बना देता हूँ, अगर किसी सब्सक्राइबर भाई को ये प्रॉब्लम आई हो तो वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इसके अंदर सिर्फ यही दिक्कत थी कि एम्पलीफायर को चालू करते ही हीट सिंक बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती थी और आप देखिए, अब बिल्कुल भी हीटिंग नहीं है इसके अंदर। पहले जो है आईसी एकदम से गर्म हो जाती थी एम्पलीफायर चालू करते ही। तो आईसी को मैंने चेंज करा और एम्पलीफायर एकदम बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है हमारा। तो दोस्तों, मेरी ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी जानकारी लाता रहूँगा।